हेलो दोस्तों, किड्स मैशेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाउ टू डिजाइन अ पीडीए इफ अ लैंग्वेज इज गिवन टू यू, मतलब पुश डाउन ऑटोमेटा हमने डिजाइन करना है, ट्रांजिशन कैसे होती है ये डिजाइन करेंगे और उसके साथ साथ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बनाएंगे। ये सारे पॉइंट जो है वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, इवन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज हमारे पास क्या दी हुई है, इन विच द नंबर ऑफ जीरो एंड नंबर ऑफ वन इज व्हाट इक्वल, मतलब हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग दी हो सकती है विच बिलोंग्स टू व्हाट जीरो एंड वन, मतलब इनपुट सिंबल हमारे पास क्या है जीरो एंड वन, सिग्मा क्या दिया हुआ है जीरो एंड वन, और कोई भी स्ट्रिंग अगर आप लेते हो तो नंबर ऑफ जीरो एंड नंबर ऑफ वन शुड बी इक्वल। ये हमारे पास लैंग्वेज है। अब मैं आपको पहले बता दूं कि पीडीए की जो फॉर्मल डेफिनेशन है कि पीडीए होता क्या है, इसकी सारा मॉडल जो है वो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की तो एक बार जरूर चेक कर लें ताकि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो पता लग जाए। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे ये लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी स्ट्रिंग आ सकती है, लाइक अगर मैं बात करूं जीरो वन, क्या जीरो वन आ सकती है? हाँ जीरो वन आ सकती है, नंबर ऑफ जीरो एंड वन बराबर है। क्या वन जीरो आ सकता है? हाँ, 10 भी आ सकता है, नंबर ऑफ 01 बराबर है। क्या 00 आ सकती है? नहीं। 11 नहीं। 0011 यस, नंबर ऑफ 0 एंड नंबर ऑफ 1 आर इक्वल। मैटर नहीं करता कि ऑर्डर क्या है, ये 0 पावर n 1 पावर n नहीं है, ये क्या है नंबर ऑफ 0 एंड नंबर ऑफ 1 क्या है बराबर, क्योंकि 0 पावर n 1 पावर n में हमारे पास फिक्स है कि 1 0 के बाद ही आना चाहिए, लेकिन इसके अंदर 1100 ये आ सकता है, हाँ ये भी आ सकता है, सिर्फ नंबर ऑफ 0 एंड 1 आपके बराबर होने चाहिए, चाहे आपको कैसे भी फॉर्म में दिया हो। अब इसका लॉजिक मतलब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास सबसे पहले 0 आता है, 0 आया तो 0 को मैंने स्टैक में डाल दिया। अब जैसे ही 1 आया 0 को हमने स्टैक से पॉप कर लिया, लास्ट में बचा क्या एप्साइलम, मतलब 0 एंड 1 बराबर है, मतलब हर एक 0 के लिए मैंने 1 को कट कर दिया तो लास्ट में ऑब्वियसली एप्साइलम बचा। अब देखो नंबर ऑफ 1 को मैंने क्या किया स्टैक में डाल दिया, जैसे ही नेक्स्ट क्या आया 0 आया मैंने पॉप कर दिया तो बचा क्या एप्साइलम, मतलब बराबर है। नेक्स्ट 00 मैंने 0 स्टैक में डाल दिया, नेक्स्ट 0 स्टैक में डाल दिया, 1 आया ही नहीं तो एप्साइलम आ गया, मतलब हमारे पास कुछ बचा है, हाँ 00 तो बचा हुआ है तो यानी एक्सेप्ट नहीं होगा। देन 11 ये भी नहीं होगा, 0 स्टैक के अंदर डाल दिया, 0 स्टैक के अंदर डाल दिया, 1 आया पहली 0 पॉप कर ली, नेक्स्ट 1 आया पहले वाली 0 जो थी वो पॉप कर ली, मतलब क्या बचा एप्साइलम बचा, यस इट विल बी एक्सेप्टेड। तो लॉजिक इसका बिल्कुल सा सिंपल है कि जो भी इनपुट सिंबल पहले आ रहा है, लेट्स से अगर पहले 1 आ रहा है स्टैक में डाल दो, फिर 0 आ रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 को पॉप कर लो, फिर 1 आया स्टैक में डाल दो, जैसे 0 आया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 को पॉप कर दो, तो लास्ट में आपके पास खाली होना चाहिए, मतलब स्टैक जो है वो आपका एम्प्टी होना चाहिए और जो आपका इनपुट स्ट्रिंग है वो भी आपकी खत्म हो जानी चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम कैसे कि पीडीए कैसे एक्सेप्ट करता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले लेट्स से हमारे पास जो स्ट्रिंग दी हुई है वो है 010011, ये स्ट्रिंग हमारे पास गिवन है। अब इस स्ट्रिंग के हमने चेक करना है कि क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी, और इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो एंड नंबर ऑफ वन, आपको दिखने में लग रहा है कि बराबर है तो यानी एक्सेप्ट होनी चाहिए, लेकिन सिस्टम कैसे काम करेगा, मशीन कैसे काम करेगी वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आया 0, तो अगर हम बात करें इसको पहले हम स्टेट डायग्राम बनाए, तो लेट्स से हमारी जो स्टार्टिंग स्टेट है दैट इज क्यू नॉट, क्यू नॉट पे सबसे पहले हमारे पास क्या आया 0 आया, तो 0 आते ही हमारे पास जो ट्रांजिशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी स्टेट कौन सी है, क्यू नॉट सिग्मा, इनपुट सिंबल कौन सा है 0 एंड टाउ, टाउ मतलब आपका स्टैक के अंदर कौन सा अल्फाबेट है। तो देखो स्टैक के अंदर अभी टॉप ऑफ द स्टैक क्या शो कर रहा है जेड नोट, जेड नोट मतलब हमारा जो स्टैक का सिंबल। तो ठीक है हमारे पास क्या हुआ, जैसे ही हमने 0 देखा पहले तो हमने करना क्या है 0 के लिए, और हमारे पास जो इनपुट सिंबल है वो क्या है जेड नोट, तो हमने कुछ नहीं करना, हमने 0 को क्या कर देना है पुश कर देना है, मतलब 0 को हमने पुश कर दिया स्टैक के अंदर। देखो ट्रांजिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, हमारे पास स्टेट क्या है क्यू नोट, तीन सिंबल है ना स्टेट
इनपुट क्या है और टाउ मतलब स्टैक के अंदर क्या है, तो स्टेट क्या है क्यू नोट, मैंने क्यू नोट नहीं लिखी, मैंने सिंपल यहां पे क्यू नोट तो नीचे दिख ही रही है, जीरो इनपुट सिंबल क्या है जीरो, ये देखो इनपुट सिंबल स्टार्टिंग में रीड राइट हेड यहां पे है जीरो। अब जेड नोट, जेड नोट क्या है टाउ मतलब आपका इनिशियल सिंबल कौन सा था, इनिशियल सिंबल जेड नोट, तो जेड नोट आपका एज इट इज। अब यहां पे जैसे ही आया तो मैंने किया क्या, जीरो को मैंने पुश कर दिया, जो हमने लॉजिक अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जीरो को हम पुश कर देते हैं। तो ये जीरो जेड नॉट क्यों लिखा यहां पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, जब ये रूल ही है कि जब भी हम इसको निकालते हैं, मतलब हमने किया क्या, जेड नॉट को पहले यहां से निकाल लिया, जब हमने चेक किया कि जेड नॉट हमारे पास यहां पे बाहर आ गया, जेड नोट बाहर आ गया तो एक तरह से ये खाली हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं, हम जीरो को पुश कर रहे हैं, तो जीरो के साथ साथ हम जेड नोट को भी एक तरह से पुश कर रहे हैं। ये पॉइंट आपको याद ही रखना पड़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है इसका कि जब आप किसी इनपुट सिंबल को डाल रहे हो, चेक कर रहे हो, तो टॉप ऑफ द स्टैक में जो भी है ना उसको पहले बाहर निकाल लो। तो स्टार्टिंग में हमने देखा कि जीरो है और टॉप ऑफ द स्टैक क्या था जेड नॉट, तो हमने एक बार जेड नॉट को बाहर निकाल लिया तो स्टैक खाली हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि अच्छा जीरो है ना, स्टार्टिंग में जीरो है तो इसको पुश कर दो, तो जब हम जीरो को पुश कर रहे हैं तो साथ साथ जेड नॉट को भी पुश कर रहे हैं। ये सिंपल सा लॉजिक है। ऐसे ही लेट्स से कि अगर स्टार्टिंग में वन होता, मतलब पहला ही सिंबल अगर वन होता तो उस केस में क्या करते, सेम था उस केस में भी आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या वन और हमारा टॉप ऑफ द स्टैक क्या है जेड नॉट, तो एक तरह से आप जेड नॉट को बाहर निकाल लो, जेड नोट आप सपोज करके मान के चलो कि जेड नोट बाहर आ गया। अब आपको करना क्या है, वन और जेड नोट को पुश कर देना है, स्टार्टिंग में कुछ भी आए वन और जीरो आपने सिंपली उसको पुश करना है। तो हमने क्या कर दिया, पुश कर दिया, तो टॉप ऑफ द स्टैक मेरा अब जीरो को डिनोट कर रहा है और यहां पे जो रीड राइट हेड है वो आगे मूव कर गया, मतलब रीड राइट हेड अब वन पे चला गया। अब देखो नेक्स्ट सिंबल क्या है हमारे पास, वन, क्यू क्या है क्यू नोट है, वही स्टेट पे हम खड़े हैं, सिग्मा क्या है वन, इनपुट सिंबल क्या है वन और टाउ क्या है, टाउ क्या है अब जीरो, मतलब हमारा जो स्टैक का सिंबल है टॉप ऑफ द स्टैक है वो है अब जीरो। अब जैसे जीरो आया मान के चलो कि जीरो को हमने बाहर निकाल लिया, जीरो को हमने बाहर निकाल रखा है, अब हमने करना क्या है, अब हमने करना है कि अच्छा अगर हमारे पास नेक्स्ट सिंबल था वन और स्टैक में हमारे पास जीरो है तो आप क्या करो, इस वन के लिए इस जीरो को पॉप कर लो ताकि वो बराबर हो जाए, नेगोशिएट करना है, क्योंकि जैसे ही पहले जीरो डाला जीरो डाल दिया, अब जैसे ही वन आया उस वन के लिए जीरो को बाहर निकाल लो, तो मतलब यहां पे जैसे ही आपके पास वन आता है और स्टैक में हमारे पास क्या था जीरो था, स्टैक में हमारे पास क्या था जीरो था, तो हमने किया क्या, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने यहां से पॉप कर लिया, जीरो को पॉप कर लिया। तो पॉप करने के लिए हमने क्या लिख दिया यहां पे, एप्साइलन, एप्साइलन का मतलब क्या है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, हमने सिंपली पॉप कर दिया यहां से जीरो को, तो टॉप ऑफ द स्टैक दोबारा से जेड नोट को शो कर रहा है। ऐसी देखो नेक्स्ट आ गया हमारे पास जीरो, जैसे जीरो आया, जीरो आते ही यही वाला कंडीशन है, जीरो आते ही टॉप ऑफ द स्टैक क्या था जेड नोट, जेड नोट को बाहर निकाल लिया, फिर जेड जीरो और जेड नोट को अंदर डाल दिया, तो जीरो यहां पर पुश कर दिया। नेक्स्ट सिंबल जीरो, नेक्स्ट सिंबल जीरो आ गया, तो देखो नेक्स्ट सिंबल जीरो आते ही नेक्स्ट सिंबल था जीरो और टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक में भी क्या है जीरो, तो जब नेक्स्ट सिंबल है जीरो और टॉप ऑफ द स्टैक में भी क्या है जीरो, तो इस केस में आप क्या करना है, जितने मर्जी जीरो आते रहे आपको सिंपली क्या करना है, पुश करते जाना है। जैसे नेक्स्ट जीरो आया आपने क्या करना है, जीरो को पुश कर देना है। जीरो को पुश करने का मतलब, मैंने दो बार जीरो क्यों लिखा, मैंने अभी आपको बताया, नेक्स्ट सिंबल जैसे ही जीरो आया हमने टॉप ऑफ द स्टैक से जीरो को एक बार बाहर निकाल लिया, फिर हमने जीरो को अंदर डाल दिया, तो कितने जीरोस हो गए, दो जीरोस आपके अंदर हो गए। तो इसलिए हम ये सिर्फ लिखने का तरीका है कि कैसे हम इसको लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, वन आया। अब जैसे ही वन आया हमारे पास, अब वन आते ही हमारा जो टॉप ऑफ द स्टैक था वो टॉप ऑफ द स्टैक किसको डिनोट कर रहा है, जीरो को डिनोट कर रहा है, मतलब नेक्स्ट ट्रांजिशन हमारे पास यही पे बन रही है, हमारी स्टेट जो है वो चेंज ही नहीं हो रही। स्टेट जो है वो कब चेंज होगी, जब हम नेक्स्ट सिंबल एक्सेप्ट करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, लूप में चलते जा रहे हैं। नेक्स्ट सिंबल हमारे पास क्या आया, वन आया। जैसे ही वन आया इनपुट हमारे पास जो स्टैक में था वो क्या था, जीरो, स्टैक में जीरो था और हमारे पास इनपुट सिंबल क्या था, वन। तो वन और जीरो आते ही मतलब इनपुट सिंबल वन और स्टैक में क्या था, जीरो। अब क्या करना आपको, जीरो को पॉप कर लेना, इस जीरो को पॉप कर लेना, मतलब आपका क्या आ गया, सिग्मा आ गया, मतलब क्या ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया, पॉप कर दिया इस जीरो को।
इस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 को पॉप कर दिया। अब इस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी हम क्या करेंगे, 0 को पॉप करेंगे। कैसे, जैसे ही 1 आया नेक्स्ट सिंबल क्या था, 0, तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 मतलब सेम वाली ट्रांजिशन ही होगी सिग्मा, मतलब आपके पास क्या करना है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब क्या है, पॉप कर लो, मतलब इस 0 को भी हमने पॉप कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, एप्सिलॉन। नेक्स्ट सिंबल क्या है, एप्सिलॉन, मतलब सारी की सारी स्ट्रिंग जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब इस केस में ऑब्वियसली या तो आप यहीं पे इसको टर्मिनेट कर दो, नहीं तो आप अगर इसको लेट्स सपोज मैं फाइनल स्टेट पे लेके जाना चाहता हूं, तो फाइनल स्टेट के लिए आपको क्या करना है, यहां पे सिंपली आप नेक्स्ट आया क्या हमारे पास, एप्सिलॉन, और इनपुट सिंबल क्या था हमारे पास, जो स्टैक का सिंबल था वो क्या है, ऑब्वियसली जेड नोट सारे बाहर चले गए, ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट जो टॉप ऑफ द स्टैक किस पे आ गया, जेड नोट पे आ गया। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपका इनपुट सिंबल था सिग्मा सॉरी एप्सिलॉन, एंड आपका जो स्टैक का पॉइंटर था वो था जेड नोट पे। तो आपको इस केस में क्या है, कुछ भी नहीं करना, मतलब आपको सिंपली अपनी जो है स्टेट, लेट से आप Q1 पे चले गए और इस पे आपने एक्सेप्ट कर लिया इस पर्टिकुलर चीज को, तो फाइनल स्टेट क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। तो देखो एप्सिलॉन और जेड नोट कुछ भी नहीं बचा, तो यानी ये स्ट्रिंग क्या होगी आपकी, एक्सेप्ट होगी। तो यस, दिस स्ट्रिंग बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो ये सारी की सारी जो ट्रांजिशंस हैं, इन ट्रांजिशंस की कलेक्शन को हम बोल सकते हैं कि ट्रांजिशन फंक्शन जो है वो कैसे काम करता है, बेस्ड ऑन ऑल दीज ट्रांजिशंस।